जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिज़ाइन प्रो। जैसा कि हमने अपने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया था कि हम डिज़ाइन प्रो के अंदर तीन सॉफ्टवेयर्स को सीखेंगे, जिसमें पहले हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले अडोबी फोटोशॉप से, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम सेकंड जो सॉफ्टवेयर है वो अडोबी इलस्ट्रेटर, और देन जो है वो कोरल ड्रा 2018 वर्जन को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं अडोबी फोटोशॉप से। जी वेलकम बैक। सबसे पहले हम अडोबी फोटोशॉप को ओपन करने का तरीका देखते हैं। सिंपली जो आफ्टर इंस्टॉलेशन जो भी वर्जन आपके पास अवेलेबल हो, अगर आपने वो इंस्टॉल्ड कर लिया है तो उसका एक शॉर्टकट आ जाता है ऐसे डेस्कटॉप के ऊपर। अगर हम सिंपली इसको डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सी बात है। आई होप कि आप सभी लोगों को कंप्यूटर जो है वो थोड़ा बहुत चलाने आता होगा। सेकेंडली हम अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके फाइंड करेंगे अडोबी फोटोशॉप, या लिख देंगे ADOB। जैसे ही हम टाइप करेंगे तो फोटोशॉप जो है वो हमारे सामने अपेयर हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली वही मेथड है, अडोबी फोटोशॉप जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये 2018 का इंटरफेस है, अडोबी फोटोशॉप 2018। अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है तो उसका इंटरफेस डिफरेंट होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो हर एक साल के बाद मिनिमम अपनी अपडेट्स को निकालता है जो भी यूज़र को रिक्वायर्ड होता है। तो ये कुछ इंटरफेस को पहले डिस्कस करेंगे। ये अडोबी फोटोशॉप 2018 का इंटरफेस है। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे ये इतनी ज़्यादा फाइल हैं। ये जो अभी मैंने रिसेंटली ओपन की हैं ये वो फाइल्स हैं, यानी कि मैं इन्हीं को दोबारा ओपन करना चाहूँ तो सिंपली मुझे फोल्डर खोल के उसमें जाके डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सिंपली यहीं किसी फाइल को जस्ट सिंपल एक क्लिक करता हूँ तो मेरी वर्किंग की वो सारी जो फाइल है वो ओपन होके मेरे पास आ जाएगी। तो ये इन्होंने क्विक लिंक, आप इसको कह सकते हैं कि क्रिएट कर दिए हुए हैं। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करके अपनी रिसेंट फाइल को, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अभी आपने जिन पे काम किया हो, सेव किया हो, उन्हीं फाइल्स को आप एक्सेस कर सकेंगे। उसके बाद इंटरफेस में एक क्रिएट न्यू का बटन आपको नज़र आ रहा है, जो कि इसका मीनिंग होता है कि क्रिएट न्यू, नया बनाना, ओपन यानी पहले से सेव शुदा डॉक्यूमेंट जिसको आप ओपन करना चाहें, उसका ये क्लिक जो है वो बटन, इन्होंने क्विक जो बटन है वो यहाँ पे बना दिया हुआ है। सेकेंडली अभी हम फोटोशॉप को बहुत डिटेल्ड के साथ पढ़ने वाले हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो लोग बिल्कुल स्टार्ट से इसको स्टार्ट करना चाहें तो वो डिज़ाइन प्रो के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाएंगे, ये सबसे ऊपर हमें एक बार नज़र आ रही है जिसको स्टेटस बार या फाइल बार भी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें सभी ऑप्शंस हर सॉफ्टवेयर्स के रखे होते हैं, और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होती है। यानी जो फर्स्ट बार होती है हम उसको स्टेटस बार या फाइल बार भी बोलते हैं। तो आइए इसके पहले ऑप्शन से स्टार्ट लेते हैं। पहले आता है जी फाइल का मेन्यू। फाइल के मेन्यू में है न्यू का ऑप्शन। ये देखें जी, यहाँ पे इन्होंने इसकी शॉर्ट की को भी मेंशन किया है जो कि है Ctrl+N। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं या Ctrl+N कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कंट्रोल के साथ ही एन को प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे न्यू पेज की ऑप्शंस हमारे पास अपेयर हो जाएंगे। तो सिंपल है, आप कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो भी न्यू पेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखें जी, ये है कुछ न्यू पेजेस के ऑप्शन। ये 2018 वर्जन है मेरे पास। तो इसमें ये देखें, जो अभी मैंने रिसेंटली जो साइजेस का इस्तेमाल किया अपनी वर्किंग में, ये देखें रिसेंट लिखा हुआ है, तो वो पेजेस जो हैं वो मेरे पास सामने आ रहे हैं। उसके बाद है सेव्ड का ऑप्शन। सेव्ड वो टेम्पलेट्स होंगे जो कि मैं जिनको सेव करवा दूंगा साइजिंग के बाद। उसके बाद फ़ोटो, फ़ोटो के लिए जो मोस्टली यूज़ होते हैं अक्सर हमारे घरों में, जो एल्बम्स मौजूद होती हैं वो 5x7 की मोस्टली होती हैं या 6x4 की होती हैं, जो मिनिमम जो मिनी एल्बम्स होती हैं। उसके बाद इसी तरह प्रिंट की लेआउट के अंदर उन्होंने कुछ साइजेस डिफ़ॉल्ट दिए हैं। ये वो साइजेस हैं जिनके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ आप विड्थ एंड हाइट में देख सकते हैं कि उसकी ऑटो सिलेक्शन हो जाएगी। ये देखें, वो खुद ही उस पेजेस की हाइट और विड्थ को आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ेगा कि जी मैंने A4 का साइज़ जो है वो इंचज़ में लेना है, तो आप यहाँ पर जाके टाइप करने की बजाय प्रिंट में आएंगे, A4 पे आएंगे और सिंपली क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे
तो बिल्कुल A4 के पेज का जो है वो साइज है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से इसको अभी क्लोज करते हैं, फाइल में आते हैं दोबारा से, न्यू यहाँ से कर लें या फाइल के अंदर आके न्यू कर लें, ठीक है जी। अच्छा अभी उसके बाद है फिर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, इसी के अंदर भी कुछ इसी तरह टेम्पलेट्स मौजूद हैं वेब के लिए, जो साइजेस यूज होते हैं उसके मुताबिक कुछ इन्होंने डिफ़ॉल्ट साइजेस बना के रखे हैं। मोबाइल के लिए अगर हमने वर्किंग करनी है, पिक्चर्स बनानी है, वॉलपेपर्स बनाने हैं, तो उसके कुछ डिफ़ॉल्ट साइजेस इन्होंने रखे हैं। अच्छा ये हैं सभी डिफ़ॉल्ट साइजेस। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने 15 इंचज़ बाय 10 इंचज़ का एक पेज बनाना है, देन क्या होगा कि यहाँ पे मैं कस्टमली आऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का नेम लिखेंगे, लाइक यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कस्टम साइज। उसके बाद यूजिंग टैब, अगर मैं टैब का प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उससे नेक्स्ट वाले बॉक्स को सिलेक्ट करता जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट शॉर्ट की होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, यूजिंग टैब बटन जो कैप्स लॉक के बिल्कुल ऊपर होता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो ये जो उससे नेक्स्ट बॉक्स होगा वो उसको सिलेक्शन में ले आएगा। अच्छा सबसे पहले हमने यहाँ पे साइज सॉरी अपना नेम लिखा डॉक्यूमेंट का, उसके बाद विड्थ यानी इसकी चौड़ाई, मैं इसको बोलता हूँ कि जी 15 इंचज़, और हाइट जो होगी वो उसकी 10 इंचज़ आप रखते हैं। किसी भी कोई भी पेज हो वो हाइट एंड विड्थ का मजमूआ होता है। उसके बाद ये देखें ये साथ में स्केल्स दे रहा है कि आपने जो न्यू पेज क्रिएट करना है वो पिक्सल्स में करना है, सेंटीमीटर्स में करना है, मिलीमीटर्स में करना है, पॉइंट्स में, या फिर इंचज़ के अंदर। तो अभी मैंने इंचज़ रखा हुआ है, ठीक है, आप इसको कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे पिक्सल्स में काम कर रहा हूँ, पिक्सल्स में ले सकते हैं इसको, इंचज़ में। उसके बाद आ जाती है जी पेज की ओरिएंटेशन। आपने अक्सर देखा होगा लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट सुना होगा। लैंडस्केप ऐसे होता है जैसे कोई भी चीज़ को लिटाया हो, लैंड से आप ये याद रख सकते हैं लैंड से लेटा हुआ, ठीक है। पोर्ट्रेट से क्या होगा, बिल्कुल 90 के एंगल पे यानी कि सीधा। तो ये दो फर्क हैं, अक्सर लोग जो है वो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट को बताते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लैंड से लेटा हुआ ये बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको याद रखने में भी आसानी होगी। उसके बाद है कि जी आप इसको ओरिएंटेशन कैसे रखेंगे, यानी मैं अगर इस रुख में करता हूँ तो इसने खुद ही इसको चेंज कर दिया, जो कि अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं ओरिएंटेशन ऐसे लेता हूँ तो वो उसी के मुताबिक साइज़ को एडजस्ट कर रहा है। उसके बाद आ जाती है जी रेजोल्यूशन। आपने जो रेजोल्यूशन है वो मैक्स 300 पिक्सल ही रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे पीसीज अवेलेबल नहीं है जिनकी रेजोल्यूशन आप बहुत अच्छी रख सकें। तो 300 रेजोल्यूशन इज़ इनफ फॉर एवरी वन एवरी वर्क, ठीक है। उसके बाद पिक्सल एंड इंचेस इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना सॉरी। उसके बाद आ जाता है जी कलर मोड, यानी कि आपका जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो किस कलर मोड में क्रिएट होगा। आरजीबी कलर इसने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया है। अब आरजीबी होता क्या है, आरजीबी की जो फॉर्म है, जो फुल फॉर्म है, उसका मीन ये होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू, यानी कि जो भी आप पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएशन करेंगे वो रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स का मजमूआ होगी। इसी तरह से उसके बाद आता है ग्रे स्केल, यानी ब्लैक एंड व्हाइट मोड में आएगा ये, ठीक है। बिट मैप पिक्चर मोड होता है। उसके बाद CMY के कलर, यानी C फॉर सयान, M फॉर मैजेंडा, Y फॉर येलो, K फॉर कलोरिन, ठीक हो गया। कलोरिन मीन ब्लैक कलर को बोलते हैं इसमें। तो इसी तरह ये दो कलर स्कीम बेसिक हैं RGB एंड CMY के। RGB कलर स्कीम तब यूज़ की जाती हैं जब हमने डॉक्यूमेंट को डिजिटल पर्पसेस के लिए रखना हो, लाइक मैंने एक वॉलपेपर बनाना है तो वॉलपेपर मोस्टली मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप पर लगाया जाएगा, यानी डिजिटल पर्पस। LCD में प्ले होना हो, मूवीज में प्ले होना हो, किसी बैकग्राउंड में लगाना हो, ऐसे पर्पस जिसको हम फिजिकली प्रिंटर से प्रिंट ना लें, डिजिटल ही वो रहें, उन सभी के लिए RGB कलर स्कीम हम यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी चीज़ का प्रिंट लेना है, प्रिंट आउट निकालना है, कोई फ्लायर बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, या कुछ इस तरह का और बनाना है, तो हम कलर स्कीम यूज़ करेंगे CMYK, जिसका मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ, ठीक है। तो CMYK कलर के कलर किस लिए यूज़ होती है एंड RGB किस लिए, ये आपने याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है बिट सेटिंग। 8 बिट ये जो है पिक्सल का रेजोल्यूशन का एक पार्ट होता है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये आपका PC जो सपोर्ट कर रहा हो, मोस्टली जो रिकमेंडेड हो वही यहाँ पे आएगा।
उसके बाद है जी बैकग्राउंड कंटेंट्स, यानी जो आपका बैकग्राउंड आएगा न्यू पेज का वो किस कलर में आए, वाइट ब्लैक बैकग्राउंड ये सब ही दिखा रहा है। उसके बाद आता है जी एडवांस ऑप्शन, ठीक है, इसको आप नहीं छेड़ें। कलर प्रोफाइल, ये वो कलर प्रोफाइल होगी जो कि आपका जो एलसीडी है वो फोटोशॉप को सपोर्ट कर रहा है, इसको भी आप डिफ़ॉल्ट रहने दें, इसको भी छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्क्वायर पिक्सल, जी बिल्कुल स्क्वायर पिक्सल, अगर हम इसको मैं चेंजिंग करते हैं तो इंशाल्लाह एडवांस के अंदर में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये क्या होता है जी पिक्सल एंड स्क्वायर पिक्सल। अभी आप इसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने दें, ये कुछ सेटिंग्स को चेंज करके देखें। विड्थ, हाइट, उसका स्केल, ठीक है, रेजोल्यूशन, ठीक है, पिक्सल इंचेस, उसके बाद कलर स्कीम, मोड, बैकग्राउंड को भी चेंज कर लें, इट्स वेरी इजी। अभी ये देखें, मैंने 15 एंड 10 हाइट का जो है वो एक पेज क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो अभी मैंने सभी सेटिंग कर ली हैं। अभी सिंपल मैं क्या करूँगा, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। ये देखें जी 15 इंचेस विड्थ बाय 10 इंचेस हाइट का एक जो न्यू पेज है वो मेरे पास आ चुका है। एक और साइज़ बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, उसके बाद मैं विजिटिंग कार्ड का साइज़ बनाने जा रहा हूँ। मैं इधर लिखूँगा 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस, सॉरी इसको पहले हम इंचेस में लेते हैं, 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस। रेजोल्यूशन इधर डिफ़ॉल्ट 72 दे रहा है, लेकिन आपने मिनिमम 300 पर काम करना है, ठीक है। आरजीबी कलर में रखूँगा मैं इसको, वाइट ही बैकग्राउंड होगी। सिंपली क्रिएट पे क्लिक किया तो क्या होगा, एक विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ है मेरे पास आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि न्यू पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये आप करिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी भी न्यू पेज बनाएं उसको बड़े गौर से एहतियात के साथ शुरू के ही अंदर आप जो क्रिएशन कर लेंगे वो बेनिफिशियल होगी। अगर डॉक्यूमेंट बन जाएगा फिर ये चीज़ों को एडिट करना जो है वो खासा मुश्किल होता है, उससे आपका फुल डॉक्यूमेंट जो भी है वो डिस्टर्ब होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स इसका इंट्रोडक्शन था न्यू पेज बनाने का। इंशाल्लाह बाकी सभी ऑप्शंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फुल डिटेल्ड के साथ डिज़ाइन प्रो की कोशिश है कि फुली डिटेल्ड के साथ जो है वो आपको एक एक ऑप्शन जो है वो समझाया जाए। कोई भी अगर चीज़ रह जाती है डिज़ाइन प्रो से तो आप लोग कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अगर कोई चीज़ टिपिकल लग रही है, समझ नहीं आ रही, तो भी पूछें। और अगर हमसे कोई गलती हो रही है या कोई चीज़ रह गई है तो आप भी हमें उसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डिज़ाइन प्रो। अल्लाह हाफिज़।